वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप सो आप सभी अपने घर में सेफ होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको थोड़ी अलग चीज़ बताऊंगी, क्योंकि हमारे सेब का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको आज इस व्लॉग में बताऊंगी सेब की मीठी सब्जी बनाना, सेब की नमकीन सब्जी और सेब की चटनी। मतलब बहुत सारे लोगों ने तो ट्राई भी किया होगा, बट बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा। तो जिन्होंने ये ट्राई नहीं किया है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्थी भी होता है। एंड हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, मैं अभी सेब लेने आई थी अपने बगीचे को, तो मैं अभी यहाँ से सेब लेके जाऊँगी और इसकी ही मैं मीठी सब्जी भी बनाऊँगी, नमकीन सब्जी भी बनाऊँगी और चटनी भी बनाऊँगी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अब हम मतलब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप ये बना सकते हो, और आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सो चलिए अब बनाते हैं हम। सो मैंने यहाँ पे सेब ला लिए थे और मैंने इन सेब को धोकर भी रख दिया है। अब मैं इनमें से कुछ सेब की मीठी सब्जी भी बनाऊँगी और नमकीन सब्जी भी बनाऊँगी। एंड हाँ, हम इन्हें कट दोनों सब्जियों के लिए, मतलब मीठी और नमकीन सब्जियों के लिए सेम साइज़ में ही इन्हें कट करेंगे। तो चलिए पहले इन्हें कट कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पर एप्पल कट कर दिए है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे प्याज भी कट कर दिया है और टमाटर भी कट कर दिया है। एंड मैं नमकीन सब्जी को हम थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आप तीखा नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऑयल डाल दिया था और अब ये गर्म हो चुका है, तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे लाल मिर्च, क्योंकि मैंने इसे पीसा नहीं है तो मैं इसे सबसे पहले डालूंगी ताकि ये अच्छे से पक भी जाए। एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे जीरा, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं एंड अब ताकि इसकी अच्छे से ग्रेवी बन जाए तो मैं इसमें ऐड करूंगी पानी ताकि ये बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाए। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब हम कुछ टाइम के लिए इसे ऐसे ही रहने देंगे जब तक टमाटर की ग्रेवी बनकर तैयार नहीं हो जाती है। ये टमाटर अब अच्छे तरीके से गल चुके हैं और मतलब इसकी अच्छे तरीके से ग्रेवी भी तैयार होती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एप्पल और उसके बाद कुछ देर के लिए उन्हें पकने के लिए रखेंगे। तो चलिए इसमें हम अब ऐड करते हैं एप्पल। तो मैंने यहाँ पे इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए इन्हें पकने के लिए रहने देंगे। तो अब हम बना रहे हैं सेब की मीठी सब्जी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर घी ले लिया था। और अब इसके बाद इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मीठे के लिए सौंफ और इलायची का मसाला तैयार किया है जो मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी, इसलिए मैं सबसे पहले डायरेक्टली इसमें ऐड करूँगी सेब। तो मैंने यहाँ पे एप्पल को अच्छे तरीके से घी के साथ मिक्स कर दिया है, अब हम कुछ टाइम के लिए इसे पकने के लिए रहने देंगे। और दूसरी ओर यहाँ पर हमारी सब्जी भी तैयार हो ही चुकी है, बस कुछ ही टाइम इसमें रहा है तो हम इसे ड्राई होने के लिए रहने देंगे, इसलिए हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसे ओपन ही रहने देंगे। और जब ये ड्राई हो जाएगी उसके बाद ये रेडी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सेब थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था, तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कीजिए, और मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी को ऐड कर दीजिए।
तो अब हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं सेब की चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे सेब के पीसेस कट कर दिए थे। और अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। और मैंने इसमें ऐड किया है नमक, थोड़ा सा पानी और मिर्च, और इसके बाद अब हम इसे ग्राइंड कर देंगे। हमारा डिनर यहाँ पे हो चुका है रेडी। ये रही हमारी सेब की नमकीन सब्जी, ये मीठी सब्जी, और ये देखिए चटनी यहाँ पर कितनी अच्छी बनी है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो आप भी अपने घर पे ये जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।